बारबेक्यू का सेटअप बड़े सीक्वेंस के साथ जो है ना लगाए हुए ना, टिक्के चेक कर रहे हो, खाते पीते घराने की मुर्गी थी, लेकिन जो इनका सिग्नेचर है ना यहाँ का, वो है बीफ पुलाव और गच्छिया का जो होता है ना बीफ, उसका कोरमा है। ये जनाब हमारी ट्रे आ चुकी है, ये आ गया भाई बीफ कोरमा, ये बीफ पुलाव, काफी ज्यादा ऑयल है, ये देखें एक बाइट लिया है, अच्छा खासा ऑयल बाइट के साथ आ गया है। हम लोगों ने यहाँ पे तलाश किया यहाँ पे चलती फिरती चाय वाले को, ये रहा भाई चलती फिरती चाय बेच रहे हैं यहाँ पर, ये रेस्टोरेंट पे आ जाते हैं, पीछे मार्केट में दुकानें हैं 96 की, वहाँ पर पिला देते हैं, कारखानों वगैरह में पिला देते हैं। नहीं तो क्या मकसद, क्या चलते फिरते की नौबत आई, क्या ये शौक से कर रहे हैं, कोई मजबूरी है, कोई वजह है इसके पीछे? शौक से तो खैर कोई भी नहीं करते। मैनेजमेंट के बारे में थोड़ी शिकायत करूंगा कि जो है ना वो मजा नहीं आया मैनेजमेंट में, और कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूँ के मतलब, खैर लंबी करने से बेहतर है कि बंदा रफा दफा करे। मटी पाओ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल आप लोग के, आपका भाई आपका दोस्त MSM आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हो चुका है एक नए ब्लॉग के साथ, और इस वक्त हम मौजूद है कुरंगी नंबर 6 में, और मेरे साथ मौजूद है माजिद मीरानी। क्या हाल है माजिद? आज भी वेल ड्रेस लगे पड़े हो भाई, किधर से आए हो यार तुम? एक्चुअली मुझे पकड़ लेते हो ऑफिस से, तो बात है ये सारी। अच्छा सही सही सही, बिल्कुल वाकई माजिद देखे, मेरी गलती नहीं है, ये मुझे पकड़ लेता है ऑफिस से। हां यार ये हमारा व्लॉग खराब करा बेटा, ये बीच कैमरा मैन है ना, हाथ देने की कोशिश कर रहा है, मतलब उंगली करने की कोशिश कर रहा है। तो इस वक्त हम लोग, मैंने जैसा कि आपको बताया, कुरंगी 6 नंबर पे हैं हम लोग, रईस रेस्टोरेंट पे, और रईस किसी तारुफ का मोहताज नहीं, यहाँ पे काफ़ी पुराना है, तकरीबन ये 1990 से ये यहाँ पर खुला हुआ है, और इसकी अपनी अलग ही पहचान है, यहाँ पे बहुत खाने की चीज़ें हैं, बिरयानी है, पुलाव है, कोरमे वगैरह है, और जो पाकिस्तानी देसी फूड होता है वो, लेकिन जो इनका सिग्नेचर है ना यहाँ का, वो है बीफ पुलाव और गच्छिया का जो होता है ना बीफ, उसका कोरमा है, ज़ाफ़रानी उसको बोलते हैं। अब उसके अंदर ज़ाफ़रान ऐड है या वो बछिया का कोई नस्ल कोई ज़ाफ़रानी है वो है, ये चल के हम आपको बाद में बताएंगे, टेस्ट करके भी और आपको पूछ के भी बताएंगे। और ये दो बिल्डिंगों पे मुश्तमिल है, एक बिल्डिंग में इनका सारा ये बिरयानियाँ कोरमे वगैरह ये सब को लोकल फूड है, पाकिस्तानी देसी फूड जो होता है, और दूसरी बिल्डिंग में आपको मैं अभी दिखाता हूँ, वहाँ पे भी सेटअप है, वहाँ पे उनका बारबेक्यू का बड़ा सेटअप लगा हुआ है वहाँ पे, वो देखें अभी चल के हम लोग आपको वो भी दिखाते हैं और इस हॉल का भी विजिट कराते हैं। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये इनका फैमिली हॉल है जेंट्स के लिए, ये यहाँ पे ये नीचे है और यहाँ पे भी है नीचे, बहुत ही मतलब जबरदस्त सा बना हुआ है और सफाई सुथराई के हिसाब से जबरदस्त, 10 में से 10 ख्याल करना भाई। यूँ फिर आपका भाई हमेशा की तरह अपने रिवायती अंदाज में रईस अहमद आरई रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गया। ये देखे जनाब बारबेक्यू का सेटअप, और कितना ही मतलब जबरदस्त तरीके से इन्होंने शीशे के अंदर इसको कवर किया हुआ है, और ये यहाँ पे ये बारबेक्यू बन रहा है। टिक्के चेक कर रहे हो माजिद, किसी दमदार मुर्गी के टिक्के लग रहे हैं ये, खाते पीते घराने की मुर्गी थी, बड़े सीक्वेंस के साथ जो है ना लगाए हुए इन्होंने शीशे के अंदर पैक, और ये देखें छोटी छोटी जो है ना उसमें चटनियाँ रखी हुई हैं, क्या बोलेंगे इसको माजिद, छोटे ही कप हो गए, 1 sip कप है ये, उनके अंदर इन्होंने चटनियाँ वगैरह पहले से बना के रखी हुई, और ये देखें भाई यहाँ पे कबाब सीखों पर लगाए जा रहे हैं, बड़े दमदार मोटे कबाब ये देखें, ओहो। और इनकी कैटरिंग भी अगर मैं आपको दिखाऊँ ना तो लेबल्ड है इनकी अपनी, ये देखें लेबल वगैरह लगा हुआ है राइस के नाम से, प्लेटों का ये देखें शेप भी अलहदा है, गोल प्लेटें नहीं है यहाँ पे, नहीं नहीं बड़ा ट्रेन में है, ज़बरदस्त सी प्लेट है, और साथ ही यहाँ पे नान लग रहे हैं, ये आप देखें नान का सेटअप, वो वहाँ पे तो पेड़े बने पड़े और अच्छे खासे बड़े पेड़े, और ये शीरमाल वगैरह लगे हुए हैं, हाँ तेल लगा के रखे हैं शीरमालों को, ये देखें भाई अंदर से निकाले तो उनको दोबारा पानी लगाया जा रहा है, ये आया भाई गर्मा गर्म ये शीरमाल आ गया भाई, शीरमाल और ताफ्तान, शीरमाल और ताफ्तान के लिए ये है, और मुझे लगता है ये शायद नान के लिए, शीरमाल और नान के लिए अलग है, अच्छा ये दूध वाली रोटी के लिए, और वो जो आप देख रहे हैं ये जिसमें अभी डाला है इन्होंने, ये इनका ताफ्तान और शीरमाल के लिए अलहदा अलहदा सिस्टम है, वाह भाई वाह। इस वक्त मौसम भी इतना औसम हो रहा है, ठंडी हवा चल रही है, और बिल्कुल ये देखें साथ ही खुले में इनका ये बैठने का सेटअप है, बड़े खुशगवार माहौल में आप बैठें खाएं तो जाना खाने का मज़ा ही दोबाला हो जाए, और यहाँ के स्टाफ को जो है ना अलग से जो है यहाँ पे
इनकी ड्रेसिंग है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक है। ठीक है। मैंने आपको अभी देखा, बिल्कुल स्टिल खड़े थे आप अपने जो है ना जॉब के साथ, बहुत ही सिंसियर लग रहे थे। ड्यूटी होती है ना सर। कितने अरसे से आप यहाँ पे काम कर रहे हो? दो तीन साल हो गए। अच्छा, आपको यहाँ पे कौन सी ड्यूटी दी हुई है? कौन सी ड्यूटी आपको यहाँ पे दी हुई है? चार पांच टेबलें होती है यहाँ पे। अच्छा, फ्रंट पे दी हुई है। अच्छा, फ्रंट की चार पांच टेबलें आपको दी हुई है। सही 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 सही। चलें, बहुत शुक्रिया। अभी आपको पहले हॉल की तरफ अंदर लेके जाते हैं, और ये देख रहे हैं आप, यहाँ से ये सब कुछ सामान दिया जा रहा है। वो अंदर सारे सालन वगैरह सब तैयार पड़े हुए हैं, बस जो आपको चाहिए ऑर्डर लगवाएं और वहाँ से आपको मिल जाएगा। अभी अंदर आपको लेके चलते हैं। ये देख रहे हैं सामने ये किचन, ये यहाँ पे बन कुछ भी नहीं रहा, बना बनाया यहाँ पे आ रहा है। किचन जहाँ पे बनता है तैयार होता है वो दूसरी जगह पे। ये अंदर का सारा माहौल है इनका। ये देखें यहाँ पे भी लगे हुए हैं, लोग खा रहे हैं, और ये इनका जो है ना काउंटर है। Few moments later. अच्छा, जितना भी मैंने आपको रेस्टोरेंट घुमाया वो उसके बाद मुझे और भी दिखाना था, लेकिन जो है ना मैनेजमेंट यहाँ की ठीक नहीं है, तो इसी वजह से फिर मैं आपको मज़ीद जो है ना रेस्टोरेंट दिखा नहीं पाया यहाँ का। अब ये के बस फॉर्मेलिटी के लिए हम लोगों ने खाना मंगा लिया है, वो खा के उसका रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। बाकी थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए मैनेजमेंट से कि सही से हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो खैर कोई मसला नहीं। ये जनाब हमारी ट्रे आ चुकी है खाने की। ये आ गया भाई बीफ कोरमा, ये बीफ पुलाव, बहुत ही ये आप ऊपर से देख रहे हैं काफ़ी ऑयली भी है, ऊपर से ऑयल की तरी बिल्कुल लगी हुई है। और ये बीफ के पीसेस हैं, तकरीबन 5-6 पीसेस पड़े हुए हैं बीफ के, और ये बीफ पुलाव आ गया जो कि दिखने में तो खैर गुड लग रहा है। और ये साथ में नान, नान देखे जिस तरह मैंने आपको पेड़ा दिखाया था उस हिसाब से नान भी देखे वैसा ही है, काफ़ी बड़ा और काफ़ी थिक सा नान है। और ये इसके साथ रायता है, रायता खैर राइस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, मुझे लग रहा है शायद राइस लिखा हुआ है, ये पुदीने और मिर्च का रायता। तो अभी खा के देखते हैं कि भाई राइस के खाने में दम है कि नहीं है। सबसे पहले बिस्मिल्लाह करते हैं नान कोरमे के साथ ना, जिसको देख के मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि पहले स्टार्ट यहीं से लो, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। कड़क कड़क सा नान है, और ये आ गया जी भाई कोरमा। काफ़ी ज़्यादा ऑयल है, ये देखें एक बाइट लिया है, अच्छा खासा ऑयल बाइट के साथ आ गया है, और एक गोटी डाल के इसके साथ बिस्मिल्लाह करके खाएंगे। दम है भाई, दम है। आपने अक्सर कोरमा खाया होगा शादियों पे, एक अच्छा वाला कोरमा जिसकी पहली बाइट लेते ना पूरी टेबल पे लोग एक दूसरे को देख के आया, कोरमा बड़ा अच्छा है, कोरमा तो बहुत ज़बरदस्त है, इस तरह के जो मार्क्स आने लगते हैं ना उस तरह का कोरमा बना हुआ है, बहुत शानदार है। और इसके अंदर एसेंस भी डला हुआ है, एसेंस वाली महक भी आ रही है, वो जो खुशबू अक्सर एसेंस हम लोग खीर वगैरह में जो डलता है ना वो इसके अंदर भी डला हुआ, उसकी खुशबू आ रही है। ज़ाफरान जैसा टेस्ट तो खैर कोई महसूस नहीं हुआ। हाँ माजिद, है ना, अच्छा है। और जिसके अंदर मीट के पीसेस डले हुए हैं, जो बोटियाँ हैं वो भी सारी बोनलेस हैं, कोई भी हड्डी वाली नहीं है। ये देख रहे हैं कितना चमकदार ज़बरदस्त सा लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। टेंडर की बात करूँ तो टेंडर उतना ज़्यादा नहीं है इसमें, मतलब और टेंडर होनी चाहिए था इसका मीट। एक होता है ना वो जो मतलब आप बोटी में यूँ हार्ड यूँ डालते हो उसको हल्का सा जोर देते हैं तो बोटी बिल्कुल रेशा रेशा बन जाती है, वैसी नहीं है। लेकिन टेस्ट में गुड है भाई। ये देखो रायता खुल नहीं रहा माजिद से, और ज़बरदस्ती की जा रही है रायते के साथ। भाई खुल गया, खुल गया, देखो देखो सही से, और तो खोलते इसमें से आएगा सही नहीं आ रहा। VIP दाया क्या करना भाई, एक दफा जब हमारे खाते में आ गया तो ये आ गया। भाई ये वेटर कब से जो है ना वीडियो में आना चाह रहे थे। आपका नाम क्या है? शाहीन। अच्छा इनका नाम शाहीन है, अभी इनको मैंने माइक नहीं दी इस वजह से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। शाहीन क्या काम आपको जो है ना इधर सौंपा हुआ है? मैं मतलब बैठ रहा हूँ कि हेल्प करता हूँ, बर्तन वगैरह उठाने के लिए करता हूँ।
अच्छा बर्तन वगैरह उठाने के अच्छा हेल्प करते हो उसमें और वेटर्स की हेल्प करते हो आप। सही सही सही। उम्र क्या है आपकी? 14 साल होगी। पक्का नहीं पता? तो ये मोबाइल लो, अब्बू को कॉल मिलाओ, पूछो उसे कि मेरी उम्र क्या है। मोबाइल दो, कॉल मिलाओ अब्बू को। कौन सी जबान है आपकी? सिंधी जबान है। चाला तू जो खुश है। अभी टेस्ट कर लेते हैं भाई पुलाव को, और ये पुलाव के ऊपर थोड़ा रायता वायता लगा के, हाँ हाँ हाँ, माहौल को थोड़ा और जो है ना मस्त बना के खाते हैं। ये बीफ का पीछे, अच्छा इसके बीफ के टेंडर की बात करूँ मैं अगर पुलाव की, तो उसका टेंडर ज़बरदस्त है। ये देखें चम्मच मारते ही ना रेजा रेजा हो रही है बोटी। अभी बिस्मिल्लाह करते हैं, एक रिच सी बाइट बना के खाते हैं। मसालों में थोड़ा डिफरेंट है बाकियों से, इसकी वजह ये कि ये देखें कैमरा अगर इधर हो तो, इसके अंदर कड़ी पत्ता भी ऐड हुआ है, कड़ी पत्ते का भी टेस्ट है, और बकाया जो मसाले जो पुलाव के अंदर डलते हैं वही हैं। ये देखें इमली वगैरह हो गई, और ये हरा मसाला टमाटर, इसके अंदर सिर्फ जो है ना ये कड़ी पत्ते को एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट सा हो गया है। अभी ये दूसरी बाइट लेते हैं बिस्मिल्लाह करके। अगर जबान पे लगने वाले मसाले की मैं बात करूं तो ये मैं आपको दिखा सकूं कि इसके अंदर देखें ग्रीन चिली भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में है, ये देखें ये भी है, लेकिन उस तरह ये जबान पे तीखापन लेकर नहीं आ रही, इतनी ज़्यादा तीखे नहीं है, बिल्कुल ही नॉर्मल है मसाले में, मतलब बच्चे से लेकर बूढ़ा तक हर कोई इसको आराम से खा सकता है, मसाले इस तरह के इसके अंदर एडजस्ट हुए हैं। जब से ये खाना आया है पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है कि कोरमे के शोरबे को पुलाव के ऊपर डाल के और फिर पुलाव की बोटी लेके साथ मिला के खाया जाए, फिर देखते हैं क्या टेस्ट बनता है। वाह मजेदार, 2-in-1 हो गया भाई, एक ही बाइट के अंदर कोरमे का मजा भी और पुलाव का मजा भी, दम है भाई दम है। तो भाई खाना वाना खा लिया, और खाना खाने के बाद माजिद का मूड हो रहा है चाय का, और चाय का यहाँ पे होटल मुझे आसपास नजर नहीं आ रहा। बात ये है कि शाम का टाइम है और चाय घर की मुझे बहुत याद आ रही है। अच्छा घर की याद आ रही है अभी, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे तलाश किया यहाँ पे चलती फिरती चाय वाले को, ये रहा भाई सामने कौन, क्या नाम आपका? मोहित अहमद नाम है सर। अच्छा ये आपके हाथ में मैं चाय देख रहा हूँ, चलती फिरती चाय बेच रहे हैं? बिल्कुल चलती फिरती चाय बेच रहे हैं, यहाँ पर ये रेस्टोरेंट पे आ जाते हैं, पीछे मार्केट में दुकान है 96 की, वहाँ पर पिला देते हैं, कारखानों वगैरह में पिला देते हैं। अच्छा 30 रुपए का कप चला रहे हैं, भैंस के दूध की घर में बनाते हैं साफ सुथरे तरीके से चाय, तो यहाँ बस चलते फिरते पिला रहे हैं। नहीं तो क्या मकसद, क्या चलते फिरते की नौबत आई, क्या ये शौक से कर रहे हैं, कोई मजबूरी है, कोई वजह है इसके पीछे? शौक से तो खैर कोई भी नहीं करता, ये बड़ी मुश्किलों से ये कदम उठाया था, तो ये कि अभी माशाल्लाह सेटिंग बन गई है, कस्टमर वगैरह मेरे ये कि बस हो जाता है गुजारा। ये जॉब नहीं होने की वजह से जो है ना मैं काफी दिनों से बेरोजगार था। अच्छा तो काफी टाइम से जॉब ढूंढ रहा था मैं, मुझे जॉब मिल नहीं रही थी, हर जगह मैंने ट्राई किया, बेसिकली मैं ड्राइवर हूँ, तो ड्राइविंग में भी इतनी तनख्वाह है नहीं कि घर का जैसे खर्चा चल सके गुजारा हो सके, तो फिर जॉब वगैरह ढूंढ रहा था अच्छी सैलरी पे, कहीं भी जॉब नहीं मिली। कितनी चाय फिर ये दिन की बिक जाती है, और किस टाइम से बेचना शुरू करते हैं आप? बस सुबह 10 बजे से मगरिब हो जाती है बस इस टाइम तक। तो ये पास ही है कहीं, जो खत्म होती है तो दोबारा भर के लेकर आते हैं? मेरा घर करीब में ही है, पर अच्छा करबला ग्राउंड की तरफ है 44C में सही 6 नंबर पे, तो मैं घर चला जाता हूँ फिर बना के ले आता हूँ दोबारा से बना के, 2 से 3 चक्कर मेरे लग जाते हैं यहाँ पर। चाय कितने की बताई हमें? चाय 30 रुपए का कप है। तो फिर हमें भी पिला देंगे चलती फिरती चाय? पिलाएं। ये अभी हमारी 2 कप चाय लग रही है, दो बना देना, और ये देखे वाह भाई वाह, टोकरी के यहाँ पे जो है ना सुराख किया हुआ, और वहीं से जो है ना थर्मोस का मुँह निकाला हुआ। दिन की कितनी जो है ना बचत वगैरह हो जाती है आपकी? सर बस गुजारा हो जाता है 1000 रुपये 1100-1200 रुपये ऐसे बन जाते। सही। चलती फिरती चाय भैंस के दूध वाली, और जो कि 30 रुपये की है, अभी उसकी चुस्की लेके देखते हैं कि भाई कैसी बनी हुई। अच्छी है यार, बड़ी रिफ्रेशिंग सी है, क्योंकि इसके अंदर
इलायची भी डाली है, कैरेमिल के और भैंस का दूध है अच्छी क्वालिटी का। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं वाकई यार जबरदस्त चाय माशाल्लाह सबको ही पसंद आती है मेरी। और 30 रुपए के अंदर ना चाय करना आप, मैं देखा जाए तो आजकल जो कट है ना वो भी होटलों पे 45-50 रुपए का मिल रहा है, 45 रुपए कट। अच्छा भाई कोई मैसेज देना चाह रहे थे आप? मैं मैसेज यही देना चाह रहा था, पहले भी मेरी वीडियोस वगैरह बनी थी तो अभी माशाल्लाह भाई आप वीडियो बना रहे हैं, तो तमाम पाकिस्तानी लोगों से मेरी ये गुजारिश है और जो ओवरसीज पाकिस्तानी उनसे भी ये गुजारिश है कि मुझे सपोर्ट करें ताकि मेरा कोई छोटा मोटा सिस्टम सेटअप हो जाए चाय का। तो भाई खाना भी खा लिया और चाय वाय भी पी ली, टेस्ट की बात करें तो टेस्ट अच्छा था, लेकिन फिर मैं जाते जाते भी मैं मैनेजमेंट के बारे में थोड़ी शिकायत करूँगा कि जो है ना वो मज़ा नहीं आया मैनेजमेंट में, और कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूँ के मतलब, खैर लंबी करने से बेहतर है कि बंदा रफा दफा करे मटी पाओ। तो व्यूअर्स अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, लाजमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल का नाम है MSM व्लॉग। आपके साथ मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे करिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।